सहाबा-ए-किराम की तादाद में इजाफे का तज़किरा किया गया है। जिसकी कुछ तफसील गुज़श्ता हफ्ता आ चुकी है इंशाअल्लाह रहमान, कुछ बातें आज भी आपके सामने रखी है। ये बात याद रखिए कि पूरी दुनिया में हजरत आदम अलैहि सलाम से लेकर क़यामत तक जितनी भी जमातें पैदा हुई, जितने भी अफराद दुनिया में आए, उन तमाम में अंबिया इकराम अलैहिस सलाम के बाद सबसे आला और फर्क किसी का मकाम है वो मकाम सहाबा इकराम, जिन सहाबों को बतौर खास अल्लाह तबारक व तआला ने इंतहाए लाजवाब के तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहबत से फैलियाबी का शर्फ अदा किया। यकीनन वो नसीब, ये वो नसीबा इतना जबरदस्त नसीबा है इंसान उस पर जितना रश करना चाहे करे, ये बहुत बड़ी बात है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए, उनकी मईयत में रहने के लिए, उनके साथ साथ उनके साथ में रहने बैठने के लिए या उनके मजलिसों में शिरकत फरमा कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदा से अपने आप को जहन्नम पर हराम करने के लिए इसको ये मौका ऐलान किया गया कि उसी के नस्बत, ये बहुत बड़ी बात है। सहाबा पुरानी आयत की रोशनी में और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमुदात की रोशनी में मेयारे ईमान अमल है, इसके तज़किरा कुरान मुकद्दस से भी किया गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी फैज़ तर्जमान से ज़बान फैज़ तर्जमान इसका तज़किरा किया। आमिनु कमा आमन अन्नास या कि अगर इसी तरह ईमान लाओगे जिस तरह इन लोगों ने ईमान लाया है तो तुम्हारे ईमान का एतबार होगा। जिसके लिए खिताब किया गया था मुनाफिकीन को आमिनु कमा आमन अन्नास, वैसे ही ईमान लाओ जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ ईमान है और अल्लाह की किताब में यहूदी नसारा को मुखातब करने में कहा गया फैन आमनतुम बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फकद तक़व, ऐसे हवा ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह की सहमत में रहने वाले खुश नसीब अफराद, तुम्हारे ही मकाम अल्लाह तबारक व तआला किया है ये यहूदी नसारा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आसमानी शरीयत के मानने वाले अफराद और
सहाबा किराम की तादाद कितनी बड़ी थी कि 23 साल नबी दौर में अगर आप गौर फिक्र करेंगे इतनी बड़ी जमात आपसे पहले किसी बड़ी सिर्फ 23 साल की मामूली सी मुद्दत मक्की दौर 13 साल अफराद पे इम्तिहान दौड़ है जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। हालात ऐसे खराब हुए हिजरत पर मजबूर किया गया। रहमतुल्लाह अलमीन में नम आंखों से मक्का मुकर्रमा को खैबर कहा और मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले लिया। उस वक्त किसी इंसान का ईमान उस वक्त मुतबर नहीं होता था जब तक कि वो इंसान हिजरत करके मदीना नहीं चला था। ये मदनी जिंदगी का इब्तदाई था। 1 साल के बाद जंग बदर पेश आई। मर्दान जंगी का हिसाब लगाया गया, उसकी गिनती की गई, उसे चुन चुन के लाया गया। 14-15 साल के जवानों को भी शामिल किया गया। तादाद सिर्फ 313 थी। जब निहत में शादी है उस वक्त मुसलमानों की तादाद मुनाफिकीन समेत तकरीबन 1000 होती है। मौका पर मुनाफिकों की जानिब से 300 अफराद छड़ जाते हैं तो तकरीबन 7 अफराद हो जाते हैं। 1 साल के बाद जब की खत्म में शादी है तो मुसलमान जंग मशीन करने वाले अफराद की तादाद 1000 की हो जाती है और तकरीबन 1.5-2 साल के बाद जब सिले हदीबिया का मामला आता है तो सहाबा किराम की तादाद 1400 को पहुंच गई। और जब सिले हदीबिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा लेते हैं जिसमें बज़ाहिर मुसलमानों की हार मालूम हो रही थी लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूर भी निगाह कुछ और दिख रही थी। संक्षेप की नमाज सुलह हदीबिया में जाए इसमें तादाद मुसलमानों की 1400 और संक्षेप की नमाज फौरन बाद 1.5 साल के बाद जब फतह मक्का का मौका आया है उस वक्त मुसलमानों की तादाद 10,000 की थी। 1.5-2 साल के अंदर तकरीबन 8,500 अफराद का इजाफा हुआ। क्यों इस चीज को समझ बसा होगा इंसान कभी कभी किसी बात पर सुलह करता है लोगों कि हम होने के बावजूद उनका गलत क्या होगा। सहाबा किराम की जज्बाती किस्म के अफराद भी थे। उमर फारूक जैसे इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरा वादा बोलना शुरू किया रसूलुल्लाह का हाथ पर नहीं है अपने हाथ पर है बाकी इसका जब कुछ तेरा करना क्या माना है जज्बत। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुना कि इसकी बात करो सिद्दीक अकबर के पास गए उन्होंने कहा जो आपने कह दिया वही बोलना उसमें आगे पीछे नहीं करते। क्या थी बात एक बात उसमें से जाना है बल्कि दो चीज याद रखिए। देखो ये बात थी आपको पूरे तौर से खुली छूट दी जाती है कि 10 सालों तक हम दोनों के दरमियान जंग बंदी रहेगी। आप अपने दीन की जैसी तरबियत इशारा करना चाहे कर लीजिए हम आपको रुकावट करने नहीं जाएंगे। ये बात तो बड़ी अच्छी लगी सबने सरा ठीक बात है तो जंग बंद रहेगी अपना आमान का माहौल कायम होगा कुरान की तरबियत इशारा करने का बेहतरीन मौका आता है और किया सहाबा किराम ने
लेकिन जो आदमी मदीना से मक्का आएगा हम उसे वापस नहीं करेंगे। ये तरफ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है मकबूल। बड़े बड़े सहाबा इकराम की निगाह वहां तक नहीं पहुंच सकी जिस चीज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा होता है। मंजूर करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस दौर में जो इंसान मुसलमान होता था उसके लिए जरूरी यह था कि अपना ईमान बचाना है और ईमान का सर्टिफिकेट लेना है तो फिर मत रसूल में मदीना हाजिर होगा। लेकिन अगर कोई इंसान मदीना से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से निकलना चाहेगा ऐसे इंसान को तो मुनाफिक है, इसको अपने लिए जरूरी है। रसूल कि जो इंसान मेरी मंजिल से लेकर मक्का जाएगा या दुनिया किसी खत्ते में चला जाएगा वो इंसान तो मेरा है ही नहीं, उसे वापस लेने की जरूरत है। ये दूरबीन ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से भी नतीजे में दर मामले वाली है। नतीजा क्या होगा? इस सुलह के नतीजे में 10 साल जंग बंदी रही, सहाबा को दावत तबलीग करने का मौका मिला और उसी से फायदा ये हुआ या डेढ़ पौने दो साल के बाद जब फतेह मक्का का मौका आया है तो सहाबा की तादाद जो फतेह मक्का के मौका पर वहां शहीद हुए थे उनकी तादाद 10,000 की थी। और फिर फतेह मक्का के मौका पर जो जज्बाती सहाबा इकराम के मुकाबले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जारी हुआ कि जब पांच सहाबा इकराम अलियोम यौमुल मरहमा अज़कार दान कर दी गए खून अली का अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा इकराम को अहले ईमान को खुशी हो रही थी कि हमारे जाने में तो कौन है कुफार। जब उनके कबाब हो रहे थे सब की बैठे सब घूम रहे थे कि क्या हो गया ताला पर क्यों नहीं जा रही है सिर्फ कुरान ने कहा ले आगे दे दो और उसके बाद कुरान कहता है तमाम सहाबा इकराम से ईमान और अमल साले की बुनियाद पर मगफरत का अजर अजीम वादा किया। यह सहाबा इकराम की प्रतियोगिता और करेंगे आप जो मौका इंसान को हाथ आता है उससे फायदा उठाना किसी भी कौम की तकदीर को संवारने के लिए 40 साल का दौर बड़ा अहम माना है। मूसा अलैहि सलाम मैदान तीन में अपने साथियों के साथ रहे कौम की नाकदरी करने की बुनियाद पर 40 साल और फिर उसके बाद तरक्की के मनाजिल हुए। हिंदुस्तान की सरजमीन पर देखेंगे इसका तस्करा हो चुका इंशाल्लाह फिर आएगा सरजमीन के नामों से कि जब तक मुसलमान आजादी के बाद 40 साल के अंदर अंदर थे उतना खलफजा उतना फजा नहीं है। 40वां साल खत्म होने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है वो आपकी निगाहों के सामने सहाबा को मौका मिला दावत तबलीग का मौका मिला 10 साल की बंदी का मौका मिला अमन आवाज से किताब सुन्नत की तरफ निशान करने का मौका मिला सहाबा ने उसे बचा के अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने जब बताया ना मौका मिला अमन आवाज क्या है अगर किसी को सहूलत मिलती है फराम में सहूलत फराम में उससे मिलती है तो आप उस मिजाज में मिलने से तो फर्क नहीं है किताब सुन्नत की तरफ निशान करना क्या माना जाता है नतीजे के तौर पर इसके जरिए बना। तो ये सहाबा की कुर्बानी की तादाद का एक हल्का सा तस्करा है हल्की सी झलक अब आइए कुरान मजीद के बिल मुकाबिल है कुरान मजीद के साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा इकराम को ईमान और अमल साले का मेयार करार दिया है। कई हदीसें हैं तो दो हदीसें अपने सामने रखें। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा और नमाज के बाद आपने खुतबा दिया ऐसा खुतबा इरशाद फरमाया क्या नहु मौइज़तुन मुवद्दा सहाबा के या रसूलल्लाह ऐसा महसूस हो रहा है ये अलविदाई खिताब फरमा ऐसा लग रहा है कि शायद हमको छोड़ के जाने वाले हैं तो उसी ना हमें अपनी बातों की वसीयत करो। ये मेरा मिजाज शनासी थी सहाबा इकराम की तरफ से तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की उसी तुम बेतकवल्ला मस्सम वत्ता वही हम मराले की मक्तुल हर्शीन प्रोग्राम अफगान मुस्लिम मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं मांगा रहता तो फरमा बरदारी की सुनने रहता तो फरमा बरदारी की वसीयत करता हूं अगर जे तुम्हारे ऊपर कान कटाऊंगा काला कलंदा गुलाम इंसान ही तुम्हारा हकीम मुसल्लत कर दिया जाए तो अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक उनकी दावेदारी करोगे। और फिर उसके बाद फरमाया فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي مِنْكُمْ فَسَيَّرَ عَلَى اخْتِلَافٍ كَثِيرًا سنو جو لوگ تم میں سے میرے پاس زندہ رہیں گے تو بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ इख्तिलाफ जरूर करो क्या आपने फरमाया ऐसे इख्तिलाफ की घड़ी में अपने आप को मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन महदीयीन की सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश करना तुम्हारे लिए जरूरी है कि मेरी सुन्नत पर अमल करना और उसके साथ साथ मेरे सहाबा में से जो खुलफाए राशिदीन है जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से का
तमस्सक बिहा व अद्दु अलैह बिन नवाजिस, इसको मजबूती से पकड़ लो और अपने दांत से उसे छाप के रखो। इतना जबरदस्त काम ना कि तुम्हारा दांत टूट जाए टूट जाए, लेकिन ये नसीब में छूटने ना पाए, मजबूती से ना मिला। इस मजबूती से थामने पर तुम इख्तलाफ से कितना फसाद से बसर हो। उसके बाद फरमाया वही आपको मुहदसात अमूर फैन कुल फैन कुल मुहदसत बिदा। और याद रखो कि दीन में नई बातों के ईजाद करने से परहेज कर लेना, क्योंकि दीन में नई बात गुमराही है, बिदत है और गुमराही। उसके बाद वो दो रवायत मिला करके दीन में नई बात निकालना बिदत है और बिदत बिदत का अंजाम या बिदती का अंजाम गुमराही के सिवा कुछ। कुल बिदत में दलाला व कुल दलाला में बिदत। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना और फसाद के वक्त में, इख्तिलाफ और तनाजा के वक्त में दूर करने का जो रास्ता सिखलाया है वो अपनी सुन्नत को लाजिम पकड़ने और साथ साथ खुलफाए राशिदीन के तरह हुए कार को लाजिम पकड़ने, इसकी मिलाद इशारे कभी आए। एक निशान मिल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान फरमाया सदफ दाई मोहम्मदी अला सलासिम व सबीन फिरकतन व फिर रायतन अला सलासिम व सबीन मिलतन कुल अफिनार इला मिलत वाहिद। आपने फरमाया याद रखना बनी इसराइल 71-72 फिरकों में बढ़ गए, मतलब यहूदी 71 फिरकों में, ईसाई 72 फिरकों में और मेरी उम्मत बनी मिल्लत 73 फिरकों में बढ़ गए। उसके साथ आपने फरमाया कुल रुहा कुल्ला, सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे इल्ला वाहिदा, मगर एक फिरका एक जमा एक मिलत जन्नत में आएगी। दुनिया में सारी तंजीम का दावा यही है कि हम ही जमा है, लेकिन ये मुंह और मसूम की बात है। जिस चीज को मद्दे नजर रखने का रसूल का ऐलान हुक्म दिया है इंसान उसके सामने आता नहीं है, लेकिन दावा करता है कि होने का क्या फरमाया सहाबा ने तैयार किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ताक है मंसूरा कौन है वो फिर का वादिया कौन है वो जन्नत में जाने वाली जवाब कौन है। तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा अना अलैहि यौम आसाबी, याद रखना इस पर इतना मेरा अमल है और मेरे सहाबा इकराम का मेरा जिनका मैं लेता जिनका अगर जिनका अधिकार जिनके वसूल जिनके जमानत जिनके कारनामे जिनकी जिंदगी क्या है जिंदगी के वसूल मेरे और मेरे सहाबा के तरीके के मुताबिक होंगे मैं जमानत देता हूँ कि बोल दो और वो फिर कार को जमानत दे दिया। आजकल जिस पर मेरा अमल है और मेरे सहाबा का ये सब मेरा अकीदा है मेरे सहाबा का अकीदा है ये दस्तूर मेरा है जो मेरे सहाबा का दस्तूर है उसके मुताबिक जिसका भी अमल होगा चाहे किसी के माता पानी से रहने वाला होगा पहले कभी नाम रखने जन्नत में आ जाता। इंसान किसी से मुतालिक अच्छा अच्छा सुन रहा नाम रख ले सुन ले उसके नतीजे में जन्नत में चले जाएंगे। तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम की विदात नहीं की काम की विदात की। क्या कहा माना अलैहि यौम आसाबी, जिस पर मैं हूं और जिस पर मेरे सहाबा है मेरा अमल कैसा है मेरे सहाबा का अमल कैसा है मेरा अकीदा कैसा मेरे सहाबा का अकीदा कैसा। जिस इंसान का मेरे और मेरे सहाबा के अकीदा अमल के मुताबिक अपना अकीदा जो इंसान बना लेगा मैं ऐसे इंसान के बारे में बशर को खुशखबरी सुनाता हूँ कि वही इंसान अमल में अपने जमात को बाटी जन्नत में जाए। वो जी आप अपने आप को किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा क्या था और सहाबा इकराम का अकीदा और नजरिया क्या था, कभी उनको गौर फिक्र किया। अहादीस नबिया में और आयात कुरानिया में उस अकीदे और अमल की तशरीहात मौजूद है। किताब सुन्नत को पढ़िए अपना अकीदा अमल उसी रोशनी में बनाने की कोशिश की। यकीनन अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आप उस जमात में शामिल हो जाए। अब याद रखिएगा आपने फरमाया मेरा और मेरे सहाबा का अमल, सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेयार करार दिया।
मतलब क्या हुआ कि कुरान को उसी अंदाज से समझा जाएगा जिस अंदाज से मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों ने समझा है। हदीस रसूल की वही तशरीह की जाएगी जो तशरीह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों ने की है। किताब अल्लाह का अमल उसी तरह से होगा जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों ने अमल किया है। सुन्नत रसूलुल्लाह का अमल उसी अंदाज से किया जाएगा जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों ने अमल किया है। अपने साथियों को मियार ईमान अमल करार दिया है। हमें इस असमत को पहचानने की जरूरत है। अभी मुहर्रम के ताल्लुक से आपने सुना होगा बाद सहाबा के खिलाफ भी लोगों ने अपनी जबान लानदान को धरा सी है। कुछ लोग इसी काम में है कि अपने अलावा किसी को मुसलमान समझते नहीं। सहाबा तब को लोगों ने छोड़ा। याद रखो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला रसूल व सहाबी ला रसूल व सहाबी। मेरे साथियों गाली मत देना, मेरे साथियों गाली मत देना। उसके बाद फरमाया तुम में से अगर कोई इंसान वहां पहाड़ के बराबर भी सबको खैर कर देगा तो जो इत्तेहाद इत्तेफाक का माहौल कायम होगा
और जिस सूरत में सहाबा इकराम की पढ़ती की तादाद आपके सामने उसकी झलक बयान की गई है, अगर उस चीज को मद्देनजर रखा जाए यकीनन आप भी किताब सुन्नत की दावत को आम करेंगे और अल्लाह के फजल करम से लोग मर्दानाबाद युग दर युग बिना तो खुराफात से बर्तबा हम के रस्म रिवाज की पाबंदियों से अपने आप को तोड़कर इस तरह तोड़कर किताब सुन्नत के नाम से रिश्ते जोड़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हमें और आप करके नाम सम्मान हो गए किताब सुन्नत की रोशनी में अकीदा अमल पर लाने की तौफीक।